कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फटों में बेवजह फंस जाऊंगा। आई एम अ पिंडी बॉय, हम इशारे नहीं तोड़ते, नाका देख कर कभी गाड़ी नहीं मोड़ते, शादियों पे हम वाई फाई नहीं खोलते, और ये सोशल मीडिया वाले हमें कहीं का नहीं छोड़ते। हम पे जुल्म किया जा रहा है, नाकों पे हमें तंग किया जा रहा है, बाइकों को हमारी बंद किया जा रहा है, और एक नंबर से मुझे तंग किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का ये वीडियो है, मेरे एक दोस्त ने मुझे वीडियो सेंड किया हुआ था लेकिन मैं वीडियो देख नहीं पाया। वीडियो जो है शायद आप सबको पता होगा कि अजाज खान जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, जो मतलब मुसलमानों की बहुत बड़ी आवाज है, और उनको आरएसएस पुलिस और मोदी वगैरह ने मिलकर इन्होंने ये फिर कुत्तों वाली हरकत की है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आरएसएस पुलिस है जो योगी के नीचे पुलिस है, एक नंबर की कुत्ते वाली पुलिस है, ये इतने को बड़े कुत्ते के बच्चे हैं। इनको मैं हमेशा मतलब ये एक वीडियो बनाता हूँ इनके लिए कि इन लोगों के जो चाल चलन है, जो इनके करतूत है, जो इनके मतलब करने का स्टाइल है, ये जस्ट मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं, मुसलमानों को ही तंग करते हैं। मेरे जितने भी अवाम हैं, जितने भी दोस्त हैं, जो मेरा ये वीडियो ओपन करेगा, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आपका वीडियो देखने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये एजाज खान जो है बेसिकली वो आप लोगों की आवाज है, आपके इंडिया की आवाज है, आपके मुसलमानों की आवाज है। एजाज खान अपने मुल्क का बहुत मतलब इंडिया का ही वो बंदा है, इंडिया में ही वो लोग रहते हैं, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती ये कैसा कानून है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे हिजड़े और कुत्ते लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। कुछ दिन पहले अभी ये जो अमृतसर में एक वाकया पेश आया था, जो ट्रेन गुजरी, हिंदुओं का जो भी फंक्शन था उसमें ट्रेन गुजरी और काफी सारे हिंदू उसमें मर गए, उनको मतलब एक झलक लगी और मौत का समय हो गया। लेकिन उस चीज का मुझे बहुत सारा दुख हुआ, मैं उस पर आवाज उठाने लगा था, फिर जब मैंने वीडियो देखा सिद्धू पाजी का, कि उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं लेके आनी चाहिए, मैं चुप हो गया। बेसिकली उसमें भी पॉलिटिक्स होना बहुत जरूरी है, एक चीज इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा एक जगह पे फंक्शन है और दूसरी जगह से ट्रेन आ रही है और वो लोग मर रहे हैं, क्यों मर गए? ये मैं मैसेज इन हिंदू भाइयों को भी दूंगा जो ये सोचते हैं कि ये जो योगी और मोदी वगैरह है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही बेस्ट है, ये उनकी सोच बिल्कुल गलत है, ये उनकी सोच बिल्कुल जाहिलों वाली सोच है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं, अपना पैसा देखते हैं, उन्होंने आप लोगों से क्या हासिल करना है वो ये चीज देखते हैं, उनके लिए इंसानियत, इंसान कुछ भी नहीं है। एजाज खान को मुझे पता चला कि अरेस्ट किया गया, मेरा इतना खून खोला, इतना मेरा दिमाग खराब हुआ। इन योगी और मोदी को मैं इतना बता दूं कि आप लोगों की ये जो घलोनी हरकते हैं, ये जो तुम आप लोग झांडुओं जैसे काम करते हो, पाकिस्तान आप लोगों को देख रहा है। अब जो पाकिस्तान है ये एक नया पाकिस्तान है, इसमें वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ नहीं है, इसमें वजीर आजम इमरान खान है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो करैक्टर है उसको बेसिकली पहले कोई पता है कि आप लोगों का करैक्टर कैसा है, लेकिन आप लोग अपना करैक्टर मजीद खराब कर रहे हो ये काम करके, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हो। हिंदुओं ने ओपन बैठ कर क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। हिंदू बोल रहे हैं कि हमें फैक्ट्री बना दो AK-47 की, उस पर हम हिंदुओं के लिए मतलब ये चीज करें, मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के लिए है फैक्ट्री बना दो, तब भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। मस्जिदें बंद हो रही हैं, तब भी आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। दीपक शर्मा साला कुत्ते का बच्चा है, जो उसने मतलब मुसलमानों के जो रोड है जहां पे मुसलमानों के नाम लिखे हैं वहां से नाम हटाकर अपने बोर्ड लगा दिए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। डकन है, कुत्ते की तरह घूम रहा है, मतलब छुप छुप के जो भी है, लेकिन उसका वीडियो तो आते हैं, इन लोगों के वीडियो आते हैं, लेकिन आप लोग उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते। मुसलमान कुछ करता भी नहीं है, तुम लोग उसके लिए बहुत एक्शन ले लेते हो, फौरनली उसको अरेस्ट करने की कोशिश करते हो। मेरे जितने भी भाई हैं, मैं उन सबसे बोलूंगा, जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जितने भी हिंदू भाई हैं जो इंसानियत को समझते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करना है। एजाज खान के लिए बहुत सारी आवाज आप लोग उठाओ,
क्योंकि इजाज खान एक राइड पे चलता है, एक सीधी बात करता है, वो मुसलमानों के लिए बहुत सारी सपोर्ट करता है। इन लोगों को इसी चीज का डर है, इसी चीज की इन लोगों को तकलीफ है। आप सबको पता है कि इलेक्शन आ रहे हैं, जाहिर है वो किसी ना किसी को सपोर्ट करेगा, तो उन चीजों को भी इनको बहुत सारी तकलीफ है। ये जो योगी और मोदी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन, अपना जो इनके दो नंबरिए हैं उनको छुपाने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बने कि आप लोगों को मतलब उनके ऊपर आवाज नहीं उठाओ। हमारे पाकिस्तान में इमरान खान ने आवाज उठाई, अपना पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ मेहनत की। सिला आप लोगों के सामने है, नवाज शरीफ को पूरी फैमिली को जेल हुई, आप लोगों ने सब ने देखा कि ये चीज हुई है। इसीलिए अब वो जो लोग हैं ये चीज खत्म करने के लिए, छुपाने के लिए बिल्कुल ऐसा करें। अगर मजीद ये लोग पांच साल ये लोग अगर और बैठ जाते हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, आपके इंडिया को बहुत सारा नुकसान होगा। मुझे इस चीज का बहुत सारा गुस्सा है, मैं बहुत सारी गालियां देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मुंह जो है वो गाली देना नहीं एक्सेप्ट करता। मुझे मतलब मेरी जुबान नहीं चलती कि मैं गाली दूं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सारा कंट्रोल करता हूँ। इन लोगों की हरकतों की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। बहुत सारे मुसलमान हैं, इनकी हरकतें देखकर बहुत सारा गुस्सा करते हैं, लेकिन ये ऐसे बगैरत लोग हैं कि इनको कुछ भी मतलब दिखाई जाते हैं और मुसलमानों को तंग करी जाते हैं। इन लोगों को मैं इतना बता दूं, जितना आप मुसलमानों को टॉर्चर करोगे, जिस दिन मुसलमान, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन मुसलमान पीछे लग गए ना, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। आप लोगों का देश इन लोगों ने उस रुख पे लेके जा रहे हैं जिस रुख पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आने वाली नस्लें भी तबाह होंगी। आने वाली लोग हैं, जो आने वाले आपके बच्चे हैं, वो भी खराब होंगे, वो भी मतलब किसी ना किसी क्राइम में, किसी ना किसी मसले में वो फंसे हुए होंगे। तो प्लीज मेहरबानी कर आप लोग इजाज खान के लिए बहुत सारी आवाज उठाएं, जितना हो सकता है उसके लिए सपोर्ट करें। मेरे वीडियो को लाजमी, जो वीडियो ये ओपन करेगा उसको ये चीज लाजमी शेयर करें, ताकि ये चीज उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से भी उनकी हरकतें देखी जाती हैं, पाकिस्तान से भी लोग आपको देखते हैं कि आप लोगों क्या हरकतें करते हो, ताकि उनको पाकिस्तान के डर से या उनको शर्म आ जाए कि हम लोग क्या करते हैं। ये चीजें बहुत गलत हैं, सब देख रहे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ, जितने भी पावर में हैं, जितनी भी पावर है मुसलमानों के पास, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, दिल से अपील करता हूँ कि आप लोग प्लीज इजाज खान के लिए बहुत सारी आवाज उठाएं और मोदी को बताएं कि उनका मुल्क नहीं है इंडिया, सिर्फ उनका मुल्क नहीं है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, क्रिश्चियन का है, सिख का, वो मुल्क सब का है। ये जस्ट मुल्क को अपना ही समझते हैं और इसी वजह से ही ये सब गंद बनता है और यही लड़ाई होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अगर शेयर नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। चलता हूँ मैं अभी, सब भाइयों को, सब बहनों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, शेयर जरूर करनी है। इजाज खान के लिए बहुत सारी आवाज उठानी है आप लोगों ने, क्योंकि इजाज खान आप लोगों की आवाज है, इसलिए उसको उन्होंने बंद किया है कि उनकी उसको कोई देखे ना सुने ना, ताकि आप लोगों के मसले क्लियर ना हो सके। जितने भी लोग इजाज खान के मतलब पे चल रहे थे, वो जरूर ये वीडियो को शेयर करें। चलता हूँ मैं अभी, बाय बाय।